वहीं किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदर्शन से जुड़े सभी केस वापस लेंगे ये चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा कि पराली जलाने से जुड़े केस भी वापस होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदूषण को लेकर अहम फैसले दिए गए हैं, सुनवाई हुई है, कड़ा रुख अपनाया गया है, और दूसरी तरफ ये भी सख्ती भी बरती गई थी कि किसान पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी ने फैसला लिया है कि जो भी पराली से जुड़े केस हैं किसानों पर, वो वापस होंगे। और पंजाब सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी केस वापस होंगे। गुरप्रीत चिंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, और क्या फैसले लिए गए हैं किसानों से जुड़े हुए? जी बिल्कुल, कल लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुलाकात होती है किसानों की, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया जाता है। सरकार किसानों के दबाव में आके ये डिसीजन भी लेते हैं कि जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं इनके खिलाफ, वो बेशक धरना प्रदर्शन के हो, स्टबल बर्निंग के हो, कोई भी हो, सभी के सभी केस वापस लिए जाएंगे। साथ के साथ जैसे कि लगातार इनसे बैठक हो रही थी, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला कि और भी जो मुद्दे हैं, जैसे मुआवजा है, मुआवजा कुछ मालवा के रीजन में कुछ गुलाबी सुंडी कारण जो प्रॉब्लम हुई है वहां पे, जो खेत खराब हुए हैं उसको लेके भी बड़ा डिसीजन लिया गया है, मुआवजा भी बढ़ाया गया है। तो अब कुल मिला के ये लगता है कि पंजाब में जो किसानों की सियासत है वो गर्म है। इसी बात को लेके कल चरणजीत सिंह चन्नी ने लगातार मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी क्रिमिनल केसेस, जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं, उन सबको वापस लिया जाए, किसी भी तरह के केस हो, बेशक धरना प्रदर्शन के हो। तो इस वक्त पंजाब की सरकार किसान तशद्दुद को साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।